दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जो कि मच्छरों के दुश्मन होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद मच्छरों से फैलने वाली खतरनाक बीमारी मलेरिया के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2021 में दुनिया भर में मलेरिया से 6,19,000 मौतें हुई थी। चूँकि मलेरिया मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है, इसीलिए इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप खुद को मच्छरों से बचाओ। मच्छरों से न केवल मलेरिया होता है बल्कि डेंगू और चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियां भी हुआ करती हैं। दोस्तों, मच्छरों के लिए बाजार में कई तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं, लेकिन समस्या ये है कि इनमें कई तरह के रसायन पाए जाते हैं जो आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा विकल्प है पौधे। दरअसल हमारे आसपास कुछ ऐसे पौधे हैं जो मच्छरों को भगाने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए इन पौधों के बारे में जानते हैं। पहला, गेंदे का पेड़। दोस्तों, गेंदे का पौधा सिर्फ सजावटी फूल नहीं है बल्कि इनमें कई गुण होते हैं जो इसे घर के लिए एक अद्भुत फूल वाला पौधा बनाते हैं। इस पौधे के फूलों और पंखुड़ियों से एक विशेष सुगंध निकलती है जो मच्छरों के लिए हानिकारक होती है। यही वजह है कि मच्छर इसके करीब आने से डरा करते हैं। इस पौधे को आप अपने आंगन, बालकनी और टेरेस एरिया में रख सकते हैं। दूसरा, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी एक आयुर्वेदिक गुण वाला पौधा है जिसके पत्ते न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि मच्छरों को भगाने में भी काफी कारगर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुलसी के पत्तों में तीखी गंध होती है जिससे मच्छर और मक्खियां दोनों दूर रहते हैं। इसे बगीचों या फिर कंटेनर में उगाया जा सकता है और घर के आसपास रखा जा सकता है जिससे आप मच्छरों से बच सकते हैं। तीसरा, पुदीने का पौधा। दोस्तों, पुदीने का पौधा ताजी सांस देने और खाने में एक अनोखा स्वाद जोड़ने का काम करता है। पुदीने की महक में मच्छरों को भगाने की क्षमता होती है। इसी प्रकार पत्तियों से निकलने वाली तीखी गंध अन्य प्रकार के कीड़ों को भी दूर भगाती है। पुदीना के पौधे को गमलों में उगाया जा सकता है और इसके लिए नम मिट्टी और अच्छी जल निकासी की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ प्रकार के पुदीना के पौधे छाया में उगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।